ओके, अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट, क्या हाल है? कैसे हैं जनाब? मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ मशहूर और कुछ गैर मशहूर किताबों का जो है वो रिव्यू करूँगा। तो आज मैं उस सिलसिले में पहली किताब, माय ऑल टाइम फेवरेट, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और बहुत ही मशहूर किताब है ये। स्टीवन डॉक्टर स्टीवन आर कवी ने इसको 1989 में इस किताब को लिखा। इट्स ऑल टाइम बेस्ट सेलर, जब से पब्लिश हुई है तब से बेस्ट सेलर है। मोर देन 40 मिलियन कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। और व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बुक? ओके जी, जिन्होंने इस किताब को पहले पढ़ा है वो जानते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल बुक, क्योंकि जनाब स्टीवन आर कवी ने इसको जब लिखा तो उन्होंने 200 साला सक्सेस लिटरेचर की एक तरह से समरी इस किताब के अंदर जमा की है। इस किताब में बेसिकली दो हिस्से मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। एक हिस्सा इसका है, इसमें एक तो ये कि सेवन हैबिट्स हैं, और उन सेवन हैबिट्स को उन्होंने फिर तीन हिस्सों में तकसीम किया है। प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं वो, कि जनाब आप जो हैबिट नंबर वन है बी प्रोएक्टिव, और हैबिट नंबर टू बिगिन विद द एंड इन माइंड, और हैबिट नंबर थ्री पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इन तीन हैबिट्स को डॉक्टर सीवरा कवि प्राइवेट विक्ट्री कहता है, जिसको आप तस्खीर ज़ात कह सकते हैं, सेल्फ मास्टरी कहता है वो इसे। वो कहता है जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो उन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होते जिस पे वो कोई असरअंदाज नहीं हो सकते, जो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहते हैं। वो जबान पॉजिटिव यूज़ करते हैं, वो प्रोएक्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इसी तरह से वो दूसरे लोगों के लिए खैर का जरिया बनते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में अगर कोई मनफी चीज़ें गुजरी हुई होती हैं तो वो उसे दूसरे लोगों को पासान नहीं करते हैं। इसी तरह दूसरी हैबिट जो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये लाइफ मिशन की और विजन की बात करती है। वो कहता है मिशन स्टेटमेंट लिखें आप, हर फर्द अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया से आप कैसे जाना चाहते हैं, वो तीन चार चीज़ों को करते हो। कहते हैं लिव लर्न एंड लीव अ लेगेसी। ठीक है जी, लिव लर्न एंड लीव अ लेगेसी। आप जिंदा रहें तो सीखें, और जब आप सीखें तो आप अपनी कोई एक बड़ा काम, अपनी लार्जर देन लाइफ, अपने आप से अपनी ज़िंदगी से भी अजीम एक काम, बड़े मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ लें। इसी तरह से पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जनाब अगर आप प्रोएक्टिव हैं और अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लेते हैं, तो फिर उस ज़िंदगी के मकसद को तय कर लेने के बाद जिस डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है वो डिसिप्लिन आपको मिलती है हैबिट नंबर थ्री से। और हैबिट नंबर थ्री से इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अहम काम पहले करें। और जो लोग अहम काम पहले नहीं करते हैं वो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम और बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपने पहले रखना है। तो इसी तरह वो टाइम मैट्रिक्स की बात करते हैं, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर। आप में से जितने लोग भी सेल्फ हेल्प के बुक्स पढ़ते हैं आपको बखूबी पता है कि टाइम को दो पैरामीटर्स पे नापा जाता है, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। और वो कहते हैं कि आप क्वाड्रेंट टू लिविंग करें। क्वाड्रेंट टू क्या है जी? वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट भी हैं, अहम भी हैं, और जो कि अर्जेंट नहीं है, जिसके लिए आप खुद प्लान करते हैं और खुद तय करके उन वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी तरह से वो डिसिप्लिन की बात करते हैं, और स्पेशली सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आता है? सेल्फ डिसिप्लिन आता है जी जब आप अपना वीक प्लान करते हैं। जी, सीवन कवि कहता है कि मंथली प्लानिंग भी ठीक नहीं है और डेली प्लानिंग भी ठीक नहीं है। ठीक से मुराद ये है कि इफेक्टिव नहीं है। कहते हैं डेली प्लानिंग सिर्फ अर्जेंट चीज़ों की हो सकती है, और मंथ जो है वो बहुत दूर हो जाता है। इसलिए वीक एक अच्छा लॉजिकल स्पेस है जिसके अंदर आप अपनी प्लानिंग करें।
So these are the first three habits. I will be talking about the rest of the four habits in another video. So stay tuned. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें. मैं और भी इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.